सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि BS6 इंजन वाली गाड़ियाँ कितनी एनवायरनमेंट के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। एयर पोल्यूशन के बढ़ते स्तर को देखते हुए देश में 1 अप्रैल 2020 से सिर्फ BS6 इंजन वाले ही वाहन बिकेंगे। इसके लिए ऑटोमोबाइल कंपनियाँ अभी से तैयारी में जुट गई हैं। कुछ BS6 इंजन वाली गाड़ियाँ तो बाज़ार में आ भी चुकी हैं। आइए जानते हैं क्या होते हैं BS6 इंजन वाले वाहनों के फायदे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि BS नॉर्म्स क्या होते हैं। BS यानी भारत स्टेज, जिसे 2000 ईयर में पेश किया गया था, जिससे पता चलता है कि गाड़ी कितना पॉल्यूशन फैलाती है। BS के ज़रिए सरकार गाड़ियों के धुएं से होने वाले पॉल्यूशन को कंट्रोल करती है। समय समय पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नए मानक जारी करता रहता है। BS के साथ जो नंबर होता है उससे यह जानकारी मिलती है कि इंजन कितना पॉल्यूशन फैलाता है। जैसे BS3 से कम पॉल्यूशन BS4 से होगा और BS6 काफ़ी कम पॉल्यूशन करेगा, यानी जितना बड़ा नंबर उतना कम पॉल्यूशन। BS अपग्रेड करने से क्या होता है, जब भी BS को अपग्रेड किया जाता है तो वाहनों से निकलने वाले धुएं से जो पॉल्यूशन होता है उसे कम करने में यह काफ़ी कारगर होता है। हम सभी जानते हैं कि देश में गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उनसे पॉल्यूशन भी लगातार फैल रहा है। ऐसे में नए BS6 इंजन को अपनाना ज़रूरी हो जाता है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि BS3 और BS4 से होने वाले नुकसान। देश में अभी भी काफ़ी संख्या में BS3 गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं और इनसे निकलने वाला धुआं हमारी सेहत के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो रहा है। वहीं BS4 से निकलने वाला धुआं कई गंभीर बीमारियों जैसे आंखों में जलन, नाक में जलन, सर दर्द और फेफड़ों की बीमारी को जन्म देता है। ऐसे में जब देश में 1 अप्रैल 2020 से सिर्फ BS6 गाड़ियां ही चलेंगी तो पॉल्यूशन पर काफ़ी हद तक नियंत्रण किया जा सकेगा। इसलिए सरकार ने देश में BS4 के बाद सीधे BS6 मानक लागू कर दिया है। अब BS6 यूज़ करने के फ़ायदे। पेट्रोल वाहनों की तुलना में डीजल वाहन ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं। ऐसे में BS6 लागू होने के बाद पेट्रोल और डीजल कारों के बीच ज़्यादा अंतर नहीं रह जाएगा और इससे पेट्रोल कारों से 25% और डीजल वाहनों से 68% नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो जाएगा। CSE की रिपोर्ट के अनुसार BS6 फ्यूल से सल्फर की मात्रा BS4 से 5 गुना तक कम होगी। वहीं BS6 वाहनों में एडवांस्ड एमिशन कंट्रोल सिस्टम फिट होगा। BS6 ग्रेड फ्यूल के बारे में हम आपको बताते हैं कि BS6 ग्रेड के फ्यूल से पॉल्यूशन में कमी होगी। फिलहाल दिल्ली में BS4 ग्रेड का फ्यूल इस्तेमाल किया जा रहा है और कई शहरों में अभी भी BS3 का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बताते हैं हम आपको कि BS6 ग्रेड फ्यूल है क्या। तो इसका मतलब यह है कि फ्यूल में सल्फर की मात्रा को कम कर दिया जाना है, कि फ्यूल में सल्फर की मात्रा कम हो जाती है। अभी BS4 पेट्रोल और डीजल में सल्फर की मात्रा 50 PPM यानी पार्ट्स पर मिलियन है, जबकि BS6 ग्रेड फ्यूल में सल्फर की मात्रा महज 10 PPM है। अब बताते हैं कि BS6 इंजन का क्या असर होगा। BS6 फ्यूल को मौजूदा BS3 और BS4 फ्यूल के अनुकूल बने वाहनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। ख़ास बात यह है कि यह फ़ायदेमंद भी है। फ्यूल में सल्फर की मात्रा जितनी कम होगी वह उतना ही कम जलेगा। कम सल्फर वाला पेट्रोल कम नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का उत्सर्जन करेगा। इतना ही नहीं, सल्फर की मात्रा कम होने से पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा भी धुएं में कम होगी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि BS4 के अनुरूप
बनी डीजल कार को अगर BS6 फ्यूल पर चलाया जाए तो औसतन 50% तक कम पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जित होंगे। उम्मीद है कि जल्द ही सभी वाहन निर्माता कंपनियां BS6 वाहनों को बाजार में पेश करेंगी। कुछ कार कंपनियां नए एडवांस इंजन पर काम कर रही हैं जो फ्यूल की खपत को काफ़ी कम करेंगे, साथ ही पॉल्यूशन पर भी काफ़ी हद तक रोक लगाने में मदद करेंगे। तो इस वीडियो में हमने आपको पूरा BS6 के बारे में बताया, BS6 इंजन के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव सजेशन देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब पहले से ही कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं हमें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।